नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना। अभी हम लोग हैं मालती चौहान के गांव में और हमारे साथ में ये जो महिला बैठी हुई है ये मालती चौहान के वीडियो में कभी कभी काम करती हैं, वीडियो बनाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धन्ना जी है। जो है कि उनके साथ में कब से काम कर रहे हैं आप? हम कभी कभी करते तो हम अपने चैनल पे काम करते हैं। अच्छा, आपका कुछ चैनल है अपना? मतलब इस गांव में तो बहुत सारे लोगों के चैनल होंगे, मतलब कि एक लोग सक्सेसफुल हो गए तो देखी देखा तो बहुत सारे लोगों के पास चैनल होंगे। कितने सब्सक्राइबर आपके पास है? हम नहीं जानते, अपने लड़का के साथ करते हैं। क्या काम करती है उसमें? माँ बनती हूँ। अच्छा, उसकी भी माँ बनती थी। अच्छा, का माँ बनती थी कभी। अच्छा, मतलब हमारा जरूरत लगता था। अच्छा, अब दोनों काम कर देते, अपने लड़कों का हो उसका भी। आपको एक्टिंग आती है? तो डायलॉग आपको लिख के दिया जाता था या फिर जो है कि कह दिया जाता है? लिख के बताया जाता है, मुँह से बताया जाता है, तो ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो आप जो है कि कोई डायलॉग आपको याद हो कि आपने इस तरह का कुछ माँ के रूप में किया हुआ है तो वो सुनाइए थोड़ा। हम माँ पुरनिया बनते हैं, अपने बेटों को बहू का झगड़ा टकरा ही करते थे। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ नरेट कर दिया जाता था और आप करना शुरू कर देती थी। अच्छा, जो है कि आपके जो है कि झगड़ा करना है, बेटे बहू में झगड़ा लगा हुआ है और आपको बेटे का कान भरना है कि बहू के खिलाफ, तो भरिए ना कहीं पाएगा। ये समय कुछ अलग है क्योंकि 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 इस समय मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, सभी लोग दुखी है तो वो माहौल नहीं बन पा रहा है ना बात करने के लिए। तो आपके बेटे के जो है कि काम करती हैं, जब उसमें भी माँ का ही रोल करती हैं, तो अभी आप लोगों उसी में हम करते थे। मान लेती मेरी जरूरत पड़ती बिछड़ू के पास तो कभी कभी वो भी बुला कर। अच्छा, वो लोग तो ब्लॉगिंग में करते थे कि मतलब हमारे पास क्या है, हमने देखा था कि वो कुछ भी करते थे, काम धंधा करते थे, घर का मार झगड़ा होता था या फिर बर्थडे वगैरह होता था, सारी चीजों के वीडियो बनाते थे, तो उसमें आपका कहाँ रोल होता था? उसमें नहीं हम जाते, सिर्फ जो कॉमेडी वाली बनाते थे उसमें। कॉमेडी भर में हाँ, और हर जगह ही नहीं जाते हैं। नहीं, जहाँ हमारा जरूरत लगता है बुलाते तब जाते, नहीं नहीं जाते। तो पैसे भी देते थे आपको? नहीं, फ्री में नहीं है, लड़का हमारा देता है, बहन का लड़का है। अच्छा, तो देता है हमको। अच्छा, अभी विष्णु राज और मालती के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? अब क्या लगता है, अब उसको जो माल लेती वो थूक कर चाट लिया तो आकर के घर पे अपने बच्चों को मुंह देखने के रही रहना चाहिए। अब मतलब विष्णु जो फिर वापिस ले आया। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो भाग गई थी उसको वापस लेके आया, तो मतलब कि तो वही आप कह रही कि? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपना करना खाना चाहिए, पैसा कौड़ी का हर खर्चा का कोई तकलीफ ही नहीं था, बच्चों को तो मुंह देख के उसको रहना चाहिए। तो वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुसा कि ऐसे कर्म कर लिया। एक वीडियो उनकी बहुत तेजी से वायरल हो रही है जब से वो सुसाइड उन्होंने करी है, एक 12-15 दिन की पहले की वीडियो है जिसमें वो रो रो करके भागने के बाद का जो सुल्ला सपाटा हुआ था उसके पहले का है कि जब रो रही थी कि कोई जब भागता है तो ऐश करने वहाँ नहीं जाता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो है कि बात उनसे हम कोई कहते थे। एक चीज़ ये भी होती है कि हम किसके साथ कम्फर्टेबल हैं, हो सकता था कि वो पति के साथ कंफर्टेबल ना होकर के वो जो उनका प्रेमी था उसके साथ कंफर्टेबल हो, या फिर उनका चरित्र ही खराब रहा हो, पति में वो सुख ना मिल रहा हो, मतलब वो मेंटेलिटी नहीं बैठ रही हो, ऐसा कुछ। ऐसा बात है, अब आपका बात सही है। अब जो अपने आदमी को मन में रखी थी तो जो जब नहीं रखी थी तो वो अब चाहे मरे चाहे वो रो रही थी ना कि कह रही थी कि हमारे सामने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर हम उसके साथ भागे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके साथ हम गलत करने के लिए भागे हैं, वो अपने पति से परेशान होकर के हम भागे थे, वो हमको मारते थे, पीटते थे, किसी से हम कहते थे तो लोग हमारी बातें उस सुनते नहीं थे, लोग हमको कहते थे, हमी को उल्टा समझाते थे कि तुम सहो क्योंकि तुम औरत हो। अब देखो औरत के यही बोल जाता है कि चुप रहो, अपना कमाओ खाओ शुद्धे से रहो, इंसान का यही तरीका है ना। कोई भी रहे समझाएगा, वो लड़ाएगा नहीं। लेकिन ये भी एक चीज है ना कि वो बात भी तो करनी चाहिए, अगर वो मार रहा है तो क्यों मार रहा है, वजह तो नहीं मार रहा है, समझाना भी तो चाहिए लड़की। यही तो नहीं पता था, वो जुड़ते झगड़ा करके जुड़ते इकट्ठे हो जाते तो मैं लोग बोला कि जाना ऐसे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये इन्होंने चाची ने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि जब तक घटनाएं सारी हुई, जब तक सुसाइड वाला मामला सामने नहीं आया तब तक लोगों को लग रहा था कि सारी चीजें व्यूज के लिए हो रही है, वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को मतलब आप बगल के ही हैं फिर भी आप लोगों को लग रहा था कि व्यूज के लिए ही है। हाँ, हम लोग तो ऐसे जानते कि जब रोज झगड़ा करके एक हो जाते हैं, जुड़ते बोलते खाते रहते हैं, इसीलिए हम लोग बोले कि अपना के जना वीडियो बना करके भेजते हैं। कभी बात उन्होंने करी थी कि मतलब हम थोड़ा डिप्रेशन में हैं या फिर हमारे साथ गलत कर रहा है, कभी बातचीत नहीं? ये जो बवाल हुआ था जब से तब से नहीं, हम लोग से बात नहीं हुआ।
अच्छा व्यवहार कैसा था उनका, मतलब कि एक होती है कि महिलाएं मिलनसार होती हैं, चाहे उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, धन दौलत हो, या फिर कुछ होती हैं कि हमारे पास आ गया भैया हम तो सबसे अलग है। नहीं नहीं, तो मालती अपने काम के लिए बोलती हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलती, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, हाँ कोई मतलब नहीं, चाहे कितने हित में नहीं रहे, खाली अपने काम से वो बोलती है और कोई चीज से नहीं। और विष्णुराज, विष्णुराज अपने काम से बोलते हैं और अपने धुन में रहते हैं दिन भर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक उन्होंने करी है? अब हमको नहीं पता है। अभी उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, तो एक नाम और सामने आ रहा है गोरखपुरिया भौजी का, उनके बारे में क्या जानते हैं? तो गोरखपुरिया भौजी के जितना रुपया बा उतना रुपया चाहिए, गोरखपुरिया भौजी के जैसे दरहम बरहम करौलिन वैसा समझा के इज्जत से रखले होती, अब आग लगले माग लगाथिन का बड़ा गोरखपुरिया भौजी सबके नीक लगत इनका। और यहाँ की जो है इनके विष्णु की भाई की एक वाइफ होने वाली थी ममता, उन्होंने भी एक साल पहले लगभग हो रहा है उन्होंने भी सुसाइड कर ली, तो उसके पीछे क्या वजह थी? वो अपने, हमने सुना था कि यहाँ के रहती भी थी, यहाँ आकर रहती थी, अपने नैहर एक एंड किया था वो, हाँ किया था वहीं पे, लेकिन यहाँ पे रहती थी तब क्या मैटर था? यहाँ मैटर कुछ नहीं, जहाँ तक ले सरता पूर्वा तराल तहाँ ले महादेव उनके साथ लड़ाई लड़त रहना, यहाँ उससे झगड़ा टकड़ा कोई बात नहीं, वो कभी नहीं झगड़ा करता था महादेव। तो फिर क्या वजह है उसमें गोरखपुरिया भौजी का नाम सामने आया? अब वो सब जाने, हम नहीं जानते, वकील तो महादेव तो ले गया उनके नैहर करने के, करके ऑफिस चले आया, आधे राह ही आया था तब ये बात सुना गया, तो फिर वहाँ से ऑफिस चला गया, तब वो भी फिर भी थी वो फंस गया था, जिनकी उसका कोई हाथ नहीं था, तो ऐसे अच्छा, ये जब छोड़ने के लिए गया तो हो सकता है ममता को लगा हो कि हम सब हमको ये छोड़ देगा हमेशा के लिए? ना ना ना, वो फोन पाती जो थोड़े दूर आई तो ममता फोन किया कि वहाँ पर पहुँच गए, कहे नहीं अभी थोड़े दूर है, हाँ कोई बात नहीं, बझावे वाले मनाई केहू के जिए खाए ना दे वाला है, इसको जान लीजिए कोई गलती, उसको तो महादेव का तो कोई गलती नहीं है, मान लेती विष्णु झगड़ा तकरार करते थे तो विष्णु सभी लोग। अच्छा ये जो मालती चौहान है उनका घर यही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अर्जुन वर्मा था वो इधर से ही चोरी चोरी जब जाता था, उसके बाद उन्होंने ये जो बाउंड्री लगवाई हुई है, दिखाइए जो बाउंड्री लगवाई हुई है, उसी से जो अर्जुन वर्मा था उसी से बचने के लिए उन्होंने विष्णुराज ने बाउंड्री लगवाई हुई थी। अब विष्णु राज पता नहीं केथुआ खरतीन बाउंड्री लगौला, पहले खुल्ला रहा बहनी, चाहे जौने ओर से चाहे जे जात रहा, आई विष्णु राज बाउंडल घरा लेना बहुत अच्छा कैलें, कि मतलब अपन घर जहे जहाँ से घूमत जे जाय ते सामने कन जाय, आड़े उलते ना जाय, विष्णु एक लेके ठीक है कैलें। तो ये आपने कभी देखा था कि ऐसे ऐसे अर्जुन वर्मा इधर से जा रहा, क्योंकि आपका घर यहाँ पर है, और कभी आपके नजर पड़ी थी कि आते जाते? रात में तो हमारा नजर नहीं कभी नहीं पड़ा, इतना मैं बाहर भी सोते हैं, जब गर्मियाँ होती है बाहर भी यहाँ खाट बिछा कर सो जाते हैं, नहीं तो वो देखो तख्ता पर सोते हैं, मालती जिस दिन से मुई है उस दिन से यहाँ नहीं सोते, वो अपने लड़का के पास सोते हैं। आपको पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? क्या कौन सा टाइम था? कौन सा टाइम था? क्या मैं सुबह उठ के यहाँ पर कौड़ा बार बल्ले है ताप रहे थे, हमारे गांव का हमारा घर उस गांव में और है, तो गांव से मनई दो ठो आ रहे हैं पैदल, तो मैं बोला इतने सुबेरे मनई कहाँ, आपको बगलिया नहीं पता चला? नहीं, तो दोनों हम काली तुम लोग कहाँ इतने सुबेरे आ गए, तो तुम बोले कि तुम नहीं जानती, हम काली नहीं, तो बोले कि मालती चौहान फसरी लगा लिया, तो मैं बोला बक झूठा बात है, कहाँ हुए हैं बाटिन फसरी लगा ली है, कहा था ना जा देख के आवा, तब हम बनी ऐसे ऐसे उधर गया उनके घर के पास, तो मैं वहाँ कोलिया में से ताक रहा था, तब वहाँ पूरा फोर्स पुलिस आ गई थी, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, इधर ही मैं कौड़ा ताप रहा था, उसके बाद वहाँ मैं जब पुलिस देखा तब मैं यहाँ आकर बोला कि अब मरले खमनाए देख लिए वकील वहाँ पर पुलिस बाट, तब थोड़े अजोर हो जो एकदम पूरा मेला लग गया। ये सुसाइड मतलब कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, वो सुसाइड करने के पीछे क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? अभी बाई नहीं हमोंग ना पता बा, अपने अपने घरे हमन गरीब मनई है, अपने दिन भर मेहनत करेला शाम का अपने घरे सुती लगा, रात के केकरे घर का महाजरम मालूम हो। ये उस समय जब उन्हें सुसाइड करी थी तो विष्णुराज कहाँ पे थे? वो स्टूडियो पे,
मतलब उनका कोई हाथ नहीं है। नहीं। जब यहाँ रहते तो जब वहाँ पे मतलब कि जब भाग गई थी अर्जुन के साथ में, तो दो दिन यहाँ पे हमने सुना कि एक दिन गई आई और एक रात यहाँ पे रही, उस बीच में विष्णुराज में और मालती चौहान में बातचीत हुई थी कि नहीं? अबे हम नहीं बता पाएंगे रानी, अब देखो आड़ है, तुम यहाँ पर रहोगी तो वहाँ क्या क्या जानोगी, अब तुम यहाँ पर हो और आड़ है तो वहाँ पर क्या जानोगी कि के बात कैले के मिलन के का कैले रात का कोई बता। ये भी चीजें सही कह रही है आप। यहाँ पर आप देख रहे हैं यही मालती चौहान का घर है जिसके बगल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये बाउंड्री जिस बाउंड्री में हमने पहले भी बात करी है, पहले की वीडियो में हमने देखा होगा जिस बाउंड्री की बात की जा रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अर्जुन वर्मा है इधर से ही आता था और यहाँ पे टाइम बिताता था, उसके बाद चला जाता था, कभी कभी जो है कि विष्णुराज पकड़े थे उसको, उसके बाद उन्होंने ये बाउंड्री लगवा थी ऐसा कहने में आ रहा है। और यही घर है उनका जो मालती चौहान है इनका, और इसमें से यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, इस पे आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।